हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। सोलर सिस्टम सीरीज में हम एक गैसीय प्लेनेट नेपच्यून के बारे में स्टडी करेंगे। नेपच्यून को हिंदी में वरुण ग्रह कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का आठवां ग्रह है, जो हमारे धरती से अरबों किलोमीटर दूर है। तो जानेंगे इस इंटरेस्टिंग ग्रह के बारे में, इसकी संरचना के बारे में और इस पर भेजे गए सैटेलाइट मिशंस के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आठवां ग्रह है। ये हमारे सौरमंडल में व्यास के आधार पर चौथा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और इसका व्यास 49,424 किलोमीटर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 164 वर्ष लगते हैं। हमारे सौरमंडल में चार गैसीय ग्रहों में से ये एक है। इसे गैस जायंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिक गैस की अधिक मात्रा है। बाकी तीन गैसीय ग्रह सैटर्न, जुपिटर और यूरेनस हैं। नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में पानी के बर्फ़ के अलावा अमोनिया और मीथेन गैसों के भी बर्फ पाए जाते हैं, और खगोलशास्त्री इसे आइस गैस मॉन्स्टर के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि इस पर पानी के बर्फ़ की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेपच्यून के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका कोर रॉक और आइस का होता है। मेंटल में वाटर, अमोनिया और मीथेन के बर्फ़ होते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस होती है, और इसका ऊपर का एटमॉस्फेयर क्लाउडी होता है। इस ग्रह को पहली बार 1846 में दूरबीन से देखा गया था और इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया था। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता थे, जो स्थान प्राचीन भारत में वरुण देवता का रहा है, इसलिए इस ग्रह को हिंदी में वरुण कहा जाता है। रोमन धर्म में नेपच्यून के हाथ में त्रिशूल होता था, इसलिए वरुण का खगोलशास्त्रीय चिन्ह त्रिशूल है। नेपच्यून प्लैनेट सिर्फ एक गोले के रूप में दिखता है, जिस पर कोई निशान या धब्बे नहीं हैं। वरुण पर बादल, तूफान और मौसम का बदलाव साफ नज़र आता है। माना जाता है कि वरुण पर तूफानी हवा और सौरमंडल में किसी भी ग्रह से ज़्यादा तेज चलती हैं। इन पर चलने वाली तेज हवाओं का रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होती है। 1989 में वॉयेजर सेकंड यान वरुण के पास से गुजरा तो वरुण पर एक बड़ा धब्बा नज़र आया, जिसकी तुलना बृहस्पति के बड़े लाल धब्बे से की गई। नेपच्यून सूरज से काफ़ी दूर है, इसलिए इसका ऊपरी वायुमंडल बहुत ही ठंडा है और वहाँ का तापमान -128 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बड़े आकार की वजह से इस ग्रह के केंद्र में इसके गुरुत्वाकर्षण के काफ़ी ज़्यादा दबाव से तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। नेपच्यून के आसपास उपग्रही छल्ले भी हैं, जिन्हें वॉयेजर सेकंड ने देखा था। नेपच्यून का हल्का नीला रंग उसके ऊपरी वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण होता है। वॉयेजर सेकंड एक अमेरिकी मानव रहित अंतर्ग्रही शोध यान था, जिसे वॉयेजर फर्स्ट से पहले 20 अगस्त 1977 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह काफ़ी कुछ वॉयेजर फर्स्ट के समान ही था, लेकिन इसका यात्रा पथ कुछ धीमा था। इसे धीमा रखने का कारण था इसका पथ यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने के लिए अनुकूल बनाए रखना था। जब इसके रास्ते में शनि ग्रह आया, तब उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण यह यूरेनस की ओर अग्रसर हुआ। इस कारण यह भी वॉयेजर फर्स्ट के समान ही बृहस्पति के चंद्रमा टाइटन का अवलोकन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी यह यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने वाला पहला यान था। इस मिशन में प्लैनेट के ग्रेविटी का प्रयोग किया गया, जिससे एनर्जी में काफ़ी बचत हुई। वॉयेजर सेकंड 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून के पास पहुंचा। इसने नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन का भी अवलोकन किया। इस सैटेलाइट ने नेपच्यून पर बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के जैसे विशाल बड़ा धब्बा देखा।
पहले इस धब्बे को बादल समझा जाता था, लेकिन असल में ये बादलों में एक बड़ा छेद है। इसके बाद ये व्हीकल अंतरिक्ष में काफ़ी दूर चला गया। सूर्य से वरुण की औसत दूरी लगभग 449 करोड़ किलोमीटर है और वरुण का औसत घनत्व 1.76 ग्राम बाई क्यूबिक सेंटीमीटर है। वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 है। ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 2300 किलोमीटर है, जबकि S/2004N1 इसका सबसे छोटा उपग्रह है, जिसका व्यास मात्र 19.3 किलोमीटर है। लॉरिस, प्रोटियस और नेरिडा इसके अन्य उपग्रह हैं। सो ये थी पूरी जानकारी नेपच्यून प्लेनेट के बारे में। मैं सोलर सिस्टम सीरीज में और भी वीडियो लाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।